नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियां। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा वाली खुशी तुम लोग सबको हो रही है क्योंकि यंग स्टनर्स का सॉन्ग याद इज फाइनली आउट। और यार, अफसाने का वीडियो रिलीज हुआ, उसके बाद याद का भी वीडियो रिलीज हो रहा है, तो मुझे बहुत बहुत हद से ज्यादा वाली एक्साइटमेंट है। और एक चीज मैं खुद की खास बता देती हूँ कि आई ग्लो डिफरेंटली Whenever I react on Youngstunners का song, हमेशा ऐसा होता है कि I literally glow differently। अभी भी मैं जितना glow कर रही हूँ, मैं normally उतना glow नहीं करती हूँगी शायद अपने videos में, जितना सोच सोच के कि Youngstunners का song है। चलिए ठीक है, अपन reaction start करते हैं। असिम अजहर के साथ उनकी collaboration है, vibe ऐसी आ रही है, थोड़ी intense music type की, गुमान अफसाने वैसी वाली vibe है। लेट्स सी ये गाना कैसा होता है, मेरा फेवरेट सॉन्ग बन पाता है या नहीं ये देखने पे सुनने पे पता चलेगा। इसका ऑडियो रिलीज नहीं हुआ था पहले, सो ऑडियो वीडियो अभी साथ में देखेंगे अपन। तब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहां पे रहता है अपना कॉमेडी कॉन्टेंट। कॉमेडी के अलावा बहुत इंटेंस कॉन्टेंट भी, अभी होली पे एक वीडियो डाला है, देख के बहुत मजे आएंगे आपको। शुरू करें यंग स्टनर्स का रिएक्शन। हॉलीवुड वाइब आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ नोवेयर। बिग बजट सॉन्ग, तू ये जाने तेरे आगे मजबूर हैं किस बात का गुरूर, फायदा उठाइए कैसा ये सुरूर है, दे दस दाए क्यों ना तुझको सुनाई दे, तेरा दीवाना पूरी दुनिया गवाई दे, मैं लापरवाह सर पे राह पर बेवफा नहीं, कब तक ये आशिक आखिर अपनी सफाई दे, तू हाँ कर कभी मैं बदलूं अभी, है मेरी मुसीबत ये तेरा जमीर, जरा असल तू अपना दिखाई जाए, क्यों फिर मुझको सताई जाए, तेरी बस याद 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 आए मुझे बार 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 बार। उर्दू लैंग्वेज हिट्स यू डिफरेंटली, ये सोने ना दे जीने ना दे और किसी का होने ना दे, तेरी बस याद 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 याद, क्रश की याद आने लग गई मुझे। मैं बोला I'm going home but असल में I'm going crazy, double black for the pain, rollie rollie got me faded, yeah. You played me, हाँ ठीक है, I'll be over you by the weekend, been in the game for 10, कला मेरे दिल के कितनी करीब है, गुजारी हैं गुर्बत में रातें, किताबों में मिलने नहीं बातें, आने वाले आते होंगे मुझे उनकी फिक्र है जो नहीं आते, तेरे भी नीत नहीं ईद, चेहरा नहीं काबिले दीद, चेहरे पे फिक्र है वाजे, तू चेहरे को पढ़ना तो सीख, तू मुझको रास्ते दे मैं तुझको बदले में फासले दूं, तू मुझको आसरे दे मैं दिल की तिजोरी से राज़ दूं, चाहे फिर सांस ना ले तेरा दीदार और मौत कबूल, करूं कुर्बान तुझ पे ये जिंदगी तो होगी हर सांस वसूल, मैं बदलूं तो बनूं फिर क्या, कि तू मेरा हो के बिना, got everything that I need, give you anything that you want, yeah smoke trees write songs, तेरी सोच all night long, I could write all my wrongs but you're gone and guys This is going to replace Gumaan. I am damn sure कि Gumaan वाला जो क्रेज एक वो tagline बन गई थी ना, हर कोई पाकिस्तान में Gumaan ही गाता फिरता था। पाकिस्तान की क्या बात करूँ, यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूँ तो हम लोग बैठ के वो सॉन्ग पे एकदम बिंज करते थे गाइज। वो वाली चीज अभी इस गाने की होने वाली है, damn sure about it, damn sure। तू हाँ कर कभी मैं बदलूं अभी, है मेरी मुसीबत ये तेरा ज़मीर, जरा असल तू अपना दिखाई जाए, क्यों फिर मुझको सताई जाए, तेरी बस याद 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 आए मुझे बार 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 बार, ये सोने ना दे जीने ना दे और किसी का होने ना दे, तेरी बस याद याद। रात ये सोने के लिए
मगर हम सोए नहीं, करवट बदलते रहते सोचों में हम खोए रहे, यादों के पस्ते लिए आंखों को भिगोए नहीं, खुद पे ये फखर वो मेरे जाने पे रोए नहीं, यार दीवार बने रिश्तों में दरार डले, गुजरे क्या साल बड़े गमों के पहाड़ बने, सबकी जबान बने दिल ये मजार बने, आना दरबार मेरे लिख रहे रात के चार बजे। ओके आई हैव टू से दैट उर्दू लैंग्वेज हिट्स यू डिफरेंटली, मतलब पता नहीं क्या होता है यार, उर्दू रैप सुन करके एकदम फील्स में चला जाता है इंसान, जैसे हिंदी आती है स्पेशली वो तो एकदम ही खो जाता है। यार सही बताऊं तो उर्दू रैप की भी बात नहीं है, बात ये कि यंग स्टनर्स ये दोनों बंदों का कॉम्बिनेशन इतना भयंकर है कि अंजुम गाने को एक अलग ही फील पे ले गया था और तला यूनस जब आए तो वो एक अलग ही मतलब डिफरेंट फील में ले गए। आई एम लविंग द सॉन्ग सो मच, आई कांट टेल यू। आना दरबार मेरे लिख रहे रात के चार बजे, लफ्जों के ताजे रमेचरा तो हिचर के आधी बरसा दें ये बादल, जमाने से पूछो हम कितने बहादुर वो आज भी समझे हमें पागल, और ढूंढे जवाब क्यों पूछूं सवाल मेरी क्या मजाल, वहमों को मान क्या तू मैं मिसाल, तू है बेमिसाल, हर बस्ती उजागर हम सबके मुसाफिर, सफर भी मुतासिर में उर्दू का राकिब नजर बड़ी कातिल, असल मेरी वाज़े गवाह मेरा आसिम, मैं दुनिया से आज लिख रहा तेरी खातिर, रातें ये ढलती नहीं वक्त की तरह क्यों बदलती रही, मानेगी वो अपनी गलती नहीं, मैं आज भी वही कोई जल्दी नहीं, आए मुझे बार 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 बार, ये सोने ना दे जीने ना दे, और किसी का होने ना दे, तेरी बस याद 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 याद। ओके सो हर कोई अपने लवर की याद में डेफिनेटली खो गया होगा इस गाने को सुनकर के, क्योंकि मुझे अपने पुराने 12th क्लास वाले क्रश की याद आ गई बहुत भयंकर तरीके से। आई हैड अ क्रश ऑन समवन और मैं यार रिवील नहीं कर सकती इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो मुझसे 12 साल बड़े थे एज में और मेरे को बहुत नेक्स्ट लेवल वाला क्रश था उन पर। तो क्या ही गाना बनाया है इन तीनों ने मिलके, मतलब गाना बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ा था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ, हाइपर एक्साइटेड हो जाती हूँ इन लोगों के गाने पे रिएक्ट करके, क्योंकि मुझे इनके गाने जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। हटो बच्चों से ये यंगस्टर्नर्स के रिएक्शन का सफ़र स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2020 में, एंड नाउ आई एम हेयर बिंज वॉचिंग ऑल देयर सॉन्ग्स ऑल द टाइम, अभी हर समय प्लेलिस्ट में इनके गाने बजते रहते हैं। तो यार आई लव दीज गाइज सो मच। असम अजहर के बारे में मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो गज़ब उन्होंने गाया, और दूसरी बात ही इज वेरी स्मार्ट, ही वॉज लुकिंग सो स्मार्ट इन द होल डैम वीडियो। ये गाना इज गोइंग टू रिप्लेस गुमान वाली चीज होने वाली है, एकदम वो वाला क्रेज आने वाला है वापस यार, पूरे पाकिस्तान में वो क्रेज वापस आएगा यार। पाकिस्तान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया तो है यार, इंडिया में भी है बहुत अच्छा फैन बेस है, बट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मतलब इन लोग का हद से ज्यादा वाला क्रेज है, और इंडिया में भी धीरे धीरे इंशाल्लाह आता ही जा रहा है, धीरे धीरे करके ना इंडिया में भी दे विल बी ऑन टॉप, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। यंगस्टर्स के बहुत सारे सॉन्ग्स में मैंने रिएक्शन किया, तो प्लीज आप चेकआउट उन्हें जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट में आई बटन में लगा दूंगी, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, वहां पे बहुत तगड़ा तगड़ा कॉन्टेंट आ रहा है धीरे धीरे करके, काफी सारा है ऑलरेडी, यू विल लव वॉचिंग दैट कॉन्टेंट ऑल्सो, तो वहां पे जाकर के प्लीज एक बार मुझे स्टॉक कर लो, ठीक है। बाय बाय, दिस इज किलाया रियाज।